नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लीकोप एम की टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो लीकोप एम की टैबलेट मार्केट में आती है, मैनकाइंड कंपनी की आती है, 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, इसकी कीमत रहती है 51 रुपये और 90 पैसे, यानी 51 रुपीज़ एंड 90 पैसा। तो पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। ये जो लीकोप एम किड टैबलेट मार्केट में आती है, ये बच्चे के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है, यानी इस पर लिखा है दोस्तों, देखिए किड किड यानी छोटे बच्चे के लिए, जिसको जूनियर टैबलेट भी बोला जाता है, जिसको पेडियाट्रिक दवा भी बोला जाता है। और ये खाली लीकोप एम टैबलेट भी आती है जो कि बड़े आदमी के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। तो ये जो लीकोप एम किड टैबलेट मार्केट में आती है, इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये मेनली सर्दी के लिए यूज़ की जाने वाली दवा है। सर्दी की वजह से आपको खांसी की शिकायत है, गले में खराश है, तो उसके लिए यूज़ की जा सकती है ये दवा। आपको कुछ एलर्जिक सिम्टम है उसके लिए भी चल सकती है। कुछ आपको एलर्जी आ गई है, एलर्जी की वजह से स्नेजिंग हो रहा है, यानी कुछ छींकें आ रही है, नाक में से पानी बह रहा है, रनी नोज बोला जाता है उसको, वाटरी आइज, तो नाक चोकअप हो गई है या फिर नाक में से पानी बह रहा है, बार बार छींकें आ रही है, तो उसके लिए भी ये दवा चल सकती है। और भी ये दवा कुछ ईचिंग हो गया है, कुछ हाइव्स हो गया है, उसके लिए भी चल सकती है। इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट द अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाटिस। दोस्तों अस्थमा की वजह से, अस्थमा की तकलीफ है और उसकी वजह से एलर्जिक राइनाटिस की शिकायत है, तो उसके लिए भी दवा चल सकती है। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। दोस्तों इसके अंदर मोंटे लुकास्ट 4 mg एंड लिहोसेट्रिजी 2.5 mg दो कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको नौसिया एंड वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको हेडेक की शिकायत हो सकती है, स्टमच पेन की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको डिजीनेस आ सकता है। और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है इसको। जनरली 1 time in a day, दिन में से एक बार लेना चाहिए। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों ये किड टैब है, यानी ये छोटे बच्चे के लिए है, यानी आपका बेबी 12 केजी के ऊपर है उसका वेट, तो उसके लिए ये चल सकती है। ये बहुत ही छोटे बच्चे के लिए नहीं यूज़ की जा सकती, जिसको इन्फेंट बोला जाता है, एकदम छोटा बच्चा, यानी 2-4-6 महीने तक बच्चे को नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये थोड़ा 12 से 14 kg का आपका बच्चे का वेट हो गया है, तो उसके ऊपर के जो वेट के बच्चे रहते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा है। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।